हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप ऑल आर डूइंग रियली वेरी वेल। अस्पताल आए हैं आदि का ब्लड टेस्ट करने के लिए। आदि को फीवर है, एटलीस्ट 3 दिन होने के बाद ब्लड टेस्ट किया जाता है, बट हमारे पास टाइम नहीं है। कल शाम को हमारा UK फ्लाइट है, इस वजह से आए हैं। आज 2 दिन हुआ है, फिर भी कुछ ऑप्शन नहीं है, ब्लड टेस्ट कर रहे हैं। शाम को रिपोर्ट देंगे, देखते हैं क्या आता है रिपोर्ट पे। अस्पताल की साइड एरिया खाली था, आज देख रही हूँ कि ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है। आजकल लोग चारों तरफ बिल्डिंग ही बना रहे हैं सिर्फ। आदि का जिस रूम पे ब्लड ले रहे थे उस रूम पे पापा नहीं था, मम्मी एक को अलाउड था, इसलिए मैं गई थी। और ब्लड लेने का टाइम आदि इतना रोया, मुझसे संभाला नहीं गया। फिर एक नर्स आके हेल्प किए, उसके बाद ब्लड लिए वो लोग ने। पहले तो वैक्सीन देने के टाइम भी आदि नहीं रोता था, बट अभी टेथो भी लगाने नहीं देता है, इतना रोता है। अस्पताल से आने के बाद उसको बाहर ही आना है। जब भी मैं डोर खोलती हूँ, कोई आता है तो वो तुरंत आके डोर के पास खड़ा हो जाता है, उसको बाहर आना है। बहुत टाइम ऐसे देखा मैंने, फिर छत पे लेके आए हैं। तबीयत ख़राब की वजह से मैं छत पे लाना नहीं चाहती थी, बट उसने इतना नॉक किया डोर पे, खोलने की कोशिश किया, फिर मैंने सोचा थोड़ा घुमा के ले आती हूँ। और जब भी फीवर नहीं आता है ना, नॉर्मल खेलता है, फुल्ली एक्टिव नहीं है बट खेलता है। अभी नहीं है, रात को और मॉर्निंग को दोनों टाइम ही आता है फीवर, नहीं तो पूरा दिन ऐसे एक नॉर्मल ही रहता है। कल शाम को फ्लाइट है, आज रात को और कल सुबह अगर फीवर नहीं आएगा तो हम लोग ट्रैवल करेंगे, नहीं तो आदि और मैं नहीं जाएंगे, इंडिया पे रुकेंगे। तपन अकेले जाएंगे UK। थैंक गॉड, फाइनली हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, सब जा रहे हैं UK। यहाँ पे पैकिंग हो गया है। कल रात को एंड आज सुबह आदि को फीवर नहीं आया, इस वजह से हम लोग हिम्मत जुटा पाए कि हाँ ट्रैवल कर सकते हैं। एंड पैकिंग का तो पूछो मत, मुझे खुद ही याद नहीं है मैं क्या पैक किया हूँ। सामने जो आया उसको ही रख दिया हूँ, क्योंकि हमारा 90% प्लान था कि हम लोग नहीं आएंगे। फिर देखा कि आदि का फीवर रात को भी नहीं आया और सुबह भी नहीं आया, इस वजह से हम लोग आ गए। जो भी हो, फाइनली हम लोग एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं। हेलो गाइस, मैं एयरपोर्ट में वेट कर रही हूँ और हमारा फ्लाइट रात 1 बजे है। और आके आदि के पीछे भाग भाग कर आती, पूरा फ्लाइट मतलब पूरा एयरपोर्ट इतना भागा कि उसके पीछे दौड़ दौड़ के मुझे इतना पसीना आ गया और मैं टायर्ड होके बैठी हूँ। आदि 2-3 बाइट खा के सो गया है और उस सोने के बाद मैं खाऊँगी, तपन गए हैं खाना खाने, और मैं तो ये डोसा नहीं तो इडली खाऊँगी, क्योंकि ज़्यादा टाइम ट्रैवल करने का टाइम मैं ऑयली कुछ नहीं खाती हूँ, कोई डोसा नहीं तो इडली प्रेफर करती हूँ, और आज सिर्फ डोसा ही खाऊँगी। इसलिए और क्या मेरा अपडेट आएगा आप लोग को मेरे ट्रैवल पर, मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तपन नॉन वेज खा के आए हैं, बोल रहे थे कि चिकन खा के आए हैं, एंड यहाँ पे मैं डोसा खा रही हूँ और यहाँ का ग्रीन चटनी मुझे बहुत पसंद है। देन यहाँ पे आदि सो गया है, उसको स्वेटर पहना दिया हूँ क्योंकि AC चल रहा है ना, इस वजह से। और ये जो छोटा सा ब्लैंकेट आपने पहले भी देखा होगा, मेरा लॉन्ग ट्रैवल और लॉन्ग ट्रिप है तो इसको मैं साथ पे कैरी करती हूँ आदि के लिए। अबूधाबी एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं, एंड ऊपर से ना बहुत बढ़िया दिखता है, पूरा चारों तरफ लाइट ही लाइट दिखता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। एंड इस फ्लाइट पे ज़्यादा कुछ वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि आदि सो रहा था, इंडिया के टाइम के हिसाब से उसका नाइट चल रहा है, इस वजह से ज़्यादा कुछ नहीं बना पाई। अबूधाबी से हीथरो जाने की फ्लाइट के लिए जा रहे हैं, और अभी हमारे इंडिया के टाइम हिसाब से 11 बज रहा है और यहाँ पे 8 बज रहा है। इसलिए वो तो रात में था,
बस ठीक ठाक कट गया, फिर ये कैसा रहता है सफ़र देखते हैं। घर जाने के टाइम भी हम लोग इथियार से गए थे और वापस भी इथियार से आ रहे हैं, तेन ये स्टॉलर जो है इसको यहीं पे छोड़ के जाना पड़ेगा, पूरा तो नहीं ले सकते एयरपोर्ट सॉरी फ्लाइट तक, यहीं पे रखे जाएंगे। आदि अभी चल के जा रहा है, उसका हाथ थोड़ा सा भी छोड़ दो ना, वो एक मिनट के अंदर इधर उधर भाग के कहाँ जाके पहुँच जाता है, इसलिए उसको पकड़ के ही चलना पड़ता है हमेशा। हमें तो सीट बहुत अच्छा मिला है, फ्लाइट की मिडिल पे हमारा सीट है एंड हमारा फ्रंट पे दो सीट है, उसके पीछे जो तीन सीटेड वाला वो हमारा है और दोनों सीट पे कोई नहीं है, वो दो सीट और पीछे का तीन सीट पूरा हमारा है और आदि वहाँ पे खेल रहा है और ना पैर रखने के लिए स्पेस भी है एंड आदि को पूरा फ्लाइट चक्कर लगाना है, दो तीन बार चक्कर लगा के आ गए है और भी जाना है, इसलिए तपन ब्लॉक करके खड़े है, फिर भी उसको जाना है। उस टाइम मैं थोड़ा सो जाती हूँ, मुझे लगा कि मैं थोड़ी टाइम सो जाऊंगी, आदि घूम रहा है बट वो घूम के आके जैसे मेरे आँख पे देखा कि मैं जो कवर करके सोई थी बट उसको नया लगा और उसको खोलने लग गया, उसके बाद मुझे भी उठा दिया और सोने नहीं दे रहा है, उसके साथ खेलना है पापा मम्मी को। फर्स्ट फ्लाइट पे कंप्लीट नींद हो गया था आदि का, इसलिए इस फ्लाइट पे उसको खेलना है, इसलिए वो बैठता नहीं है, इधर उधर भाग रहा है खेलने के लिए। फाइनली हम लोग एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं एंड सामान लेके अभी बाहर जा रहे हैं। हम हीथ्रो पे लैंड कर चुके हैं और सब कुछ सही सही में चला और आदि ने भी पूरा साथ दिया है फ्लाइट पे, और आधे का टाइम लास्ट पे थोड़ा बदमाशी किया था जैसे पहले आना था, इस वजह से सारे बाल मेरे निकल गए, इतना बदमाशी किया था, नहीं तो पूरा फ्लाइट जब लेट के बस घर पर आया है और तब हम लोग तो घर पहुँच गए, हमारे डेस्टिनेशन में ही पहुँच गए हैं। ये है हमारा टैक्सी पहुंच गया है और हमें भी ज़्यादा टाइम वेट नहीं करनी पड़ी, 5-7 मिनट के अंदर आ गया। फास्ट वाला एक टैक्सी जो बुक किए थे वो कैंसिल हो गया, फिर ये वाला आया। आधी सेकेंड फ्लाइट पे थोड़ा सा भी सोया नहीं था, पूरा फ्लाइट खेल के आया था, जैसे ही टैक्सी पे बैठ गया उसको नींद आ गया, अभी सो गया है। हमारा घर पहुंचने पे थोड़ा लेट होगा क्योंकि जो ड्राइवर है उनको भूख लगा था, वो रिक्वेस्ट किए कि थोड़ा रुकने के लिए, इस वजह से हम लोग रुके थे, वो भी खाना खाए और हम लोग भी सैंडविच लेके थोड़ा खा लिए, इस वजह से 15-20 मिनट लेट होगा घर पहुँचने पर। लॉन्ग ट्रैवल पे बच्चा अगर साथ दे देते हैं ना तो सही है, नहीं तो बहुत दिक्कत होती है। टच छुड़ा आदि ने बहुत साथ दिया है ट्रैवल के टाइम पे। फाइनली हम लोग घर पहुंच गए हैं। ओह माय गॉड, ये लोग बालकनी कवर कर दिए हैं, पहले नोटिस दिए थे कि कवर करने वाले थे बट हम लोग तो इंडिया चले गए थे, आंखें देख रहे हैं ये नेट भी लगा रहे हैं, ये कुछ नहीं दिखेगा बाहर का, कुछ भी नहीं दिखेगा और बालकनी भी हमारा बंद हो गया अब से, एंड देखते हैं ये लोग कब तक काम करेंगे। हमारा जो साइड पे एक बिल्डिंग है उनका तो 2 ईयर हो गया है, कंप्लीट नहीं हुआ है, हमारा बिल्डिंग का पता नहीं कितना दिन लेंगे। बट इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, अभी थोड़ा फ्रेश होके रेस्ट लूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, बाय बाय।